नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, आज एक ऐसा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा, आपके बच्चों के हर कार्य में उनको उन्नति अवश्य ही देगा। जी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपके वास्तु दोष के विषय में। अक्सर आप जब अपना घर बनाते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। पंच तत्वों का सही समावेश न होने के कारण अक्सर वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आपके घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, चार महा उपाय आपके साथ साझा किए जाएंगे एक सटीक समय पर। मित्रों, आज आप जान पाएंगे कि वास्तु दोष होता क्या है, किस हद तक ये आपके घर को और आपको प्रभावित कर देता है, और इसी के साथ ही आप जान पाएंगे कि वास्तु दोष आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाने लगता है, जो कि आप महसूस नहीं कर पाते और आप बीमार हो जाते हैं। वास्तु दोष खत्म करने के अचूक महा उपाय आपके साथ साझा करेंगे, जो तमाम तरीके के वास्तु दोष को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इसी के साथ ही राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी। मित्रों, सफलता का अचूक महा उपाय भी आपके साथ साझा किया जाएगा। आपके लिए लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा रहने वाला है, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, मूलांक अनुसार आज का दिन आप कैसा बिताएंगे, कैसे आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपको मैं बताऊंगा। मूलांक अनुसार आपके दिन का हाल आपके साथ साझा करेंगे। सफलता के वो अचूक सिद्ध महा उपाय भी आपको बताए जाएंगे जो आपकी सेहत को अच्छा करेंगे। कार्य सिद्धि भव का महा उपाय आज जबरदस्त होने वाला है, वो भी आपको बताऊंगा, और कहीं ना कहीं निरोगी भाव में आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आपके समक्ष है, ओम नमो नारायणाय नमः। या तो खाली आप ओम नमो नारायणाय जाप कर सकते हैं या ओम नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करिए। भगवान विष्णु का सर्वप्रिय यह मंत्र है, सब लोगों को पसंद आता है, बिगड़ी बात इससे बन जाती है। कभी भी किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा हो, आप इस महामंत्र को अपनाइए। प्रतिदिन सुबह या शाम 108 बार जाप करिए। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके पीले आसन पर बैठिए तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगे। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास होगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है मित्रों आज। नक्षत्र होगा विशाखा, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे, उपरांत यानी कि उसके बाद वृश्चिक राशि में संचरण करने लगेंगे। आज का राहु काल आप नोट कर लीजिए मित्रों, दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, किसी कागज को इधर से उधर लेन देन के लिए भी ना अपनाइए। ये बहुत इस तरीके का समय होता है मित्रों कि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती आकाश में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका कार्य बिगड़ सकता है, तो इस समय से बचिए। दिशा शुभ होगा दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है, सुबह 9 से 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दिन इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी कागज पर हस्ताक्षर करना है अवश्य ही करिए, कार्य बनेगा। पुराने कार्यों को दोबारा से अगर रीस्टार्ट करना है तो यह बहुत अच्छा समय है, लाभ जरूर उठाइए। आइए मित्रों, अब अवगत कराते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त से। आज का अभिजीत मुहूर्त आप समय नोट कर लीजिए, सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक, ये वो समय है जब किसी कार्य में आपको विजय चाहिए, जीत चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि ये वो समय होता है मित्रों जब आपके कार्य की जीत जो है वो निश्चित हो जाती है। तो भाई, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना है, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करना है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है,
तो आपको लाभ उठाना ही चाहिए। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तु दोष कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे यह आपकी दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। सबसे पहले यही समझते हैं। देखिए, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो पंच तत्वों का, पांचों एलिमेंट्स का, फाइव एलिमेंट्स का सही स्थान ना रखने के कारण, उनका सही समावेश ना रखने के कारण वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भाई आप देखिए, फायर का जहां साइन है, जो फायर की स्थिति रहेगी, वो अगर वाटर वाले साइन के अंदर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आग की जगह आग और पानी की जगह पानी होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति अलग हो गई तो यकीन मान के चलिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहने लगेगी, आपका कार्य बिगड़ सकता है। अगर पूर्व दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो ये मान के चलिए यह सूर्य की दिशा है। इस दिशा में जरा सी भी गंदगी हुई, धूल मिट्टी हुई, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा और ऊर्जावान किरणें घर में प्रवेश करती हैं, तो वो प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए पूर्व दिशा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। ऐसा करने से आपके परिवार की बीमारियां खत्म होगी। मित्रों, अगर आपका रसोई घर उत्तर दिशा में है तो धन खर्च खाने पर होगा, दवाओं पर होगा। घर के आग्नेय कोण या विशेष तौर पर पश्चिम दिशा की ओर ही आपको अपने घर का रसोई घर बनवाना है। लेकिन रसोई घर और टॉयलेट यानी कि वॉशरूम पास पास बिल्कुल ना हो, यह भी ध्यान आपको रखना होगा, वरना पैसा बीमारियों पर जाएगा। आपके धन के कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, आपको स्वयं नहीं पता चलेगा कि हमारा पैसा गया तो कहां गया। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा खिड़की हैं, विंडो हैं, तो इन्हें विशेष तौर पर आप उत्तर दिशा में ही बनवाइए। घर की बालकनी या वॉशबेसिन भी आपको हमेशा इसी दिशा में रखना होगा, वरना धन का नुकसान तो होगा ही, सेहत में दिन प्रतिदिन गिरावट आती चली जाएगी, बहुत आप बीमार रहने लगेंगे, दवाओं पर पैसा भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा तो इस दिशा में रुकेगी नहीं। फिर भाई अपने घर की दक्षिण दिशा में भूलकर भी खुलापन नहीं रखें, वहां बहुत ज्यादा ओपन एरिया नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बहुत हल्का सामान नहीं रखना चाहिए। यहां पर शौचालय यानी कि वॉशरूम भी नहीं बनाना चाहिए, अपितु इस दिशा में बहुत भारी सामान आपको रखना होगा। अगर आप भारी सामान नहीं रखते हैं तो यकीन मान के चलिए दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में भारी सामान रखें। अगर दक्षिण दिशा में खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अवश्य ही होगा, निश्चित तौर पर नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही आएगी। घर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगेगा। इससे क्या होगा, परिवार के लोग बीमार हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ जाएगा। तो आप इसे तुरंत बंद करने का प्रयास करिए, ऐसा करने से पारिवारिक शांति अवश्य ही आएगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं मेष और वृष राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने गुरु का सम्मान करें, शाम तक सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज के लिए लकी नंबर होगा 9। आज उपाय क्या करना है मित्रों, आज काले वस्त्र ना पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। व्यापार में फंसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। आज अपने घर की पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ रखें। आज अपनी बात पर आपको अडिग रहना होगा, कायम रहना होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। आज का लकी नंबर होगा 3। उपाय क्या करना है मित्रों, आज चावल का दान करें तो दिन सर्वोत्तम रहेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महा उपाय की जो आपके धन की समस्या को खत्म करेगा। मित्रों, अगर आपके घर में धन का अभाव है, अथक प्रयास के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो पाई, तो भाई देवी लक्ष्मी को एक बेलपत्र के साथ 2 चुटकी नाग केसर अर्पित करिए और वहीं पर बैठकर या खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, चाहे तो भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप कर लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके घर की धन की समस्याओं को बिल्कुल खत्म करेगा।
आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि घर की कौन सी दिशा आपको अधिक लाभ दे सकती है, कौन सी दिशा में क्या करना चाहिए, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु दोष के विषय में, तो दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि घर की चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज हम चारों कोण के विषय पर भी बात करेंगे, यानी कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो घर का जो उत्तर पूर्वी जो दिशा होती है, यह जो कोण होता है, यह ईशान कोण कहलाता है। मित्रों, यह दिशा जो होती है, इस दिशा का जो स्वामी है वह भगवान विष्णु और भगवान शिव है। इस दिशा में जल का स्थान होता है। इस दिशा में आप बोरिंग करा सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, पूजा स्थल बना सकते हैं। विशेष तौर पर इस दिशा को आप हल्का रखिए। इस दिशा में अगर मेन गेट है तो बहुत अच्छा ये माना जाता है। ईशान कोण की एंट्री बहुत अच्छी होती है। मित्रों, बात करते हैं घर की उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में। घर की उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य दिशा कहा जाता है। इस दिशा में अगर आपका बेडरूम है, गैराज है और गौशाला है तो बहुत उत्तम रहेगी। इस दिशा में आप अपने मेहमानों को भी ठहरा सकते हैं, बहुत अच्छी ये दिशा होती है। देखिए, अब बात करते हैं घर के आग्नेय कोण के बारे में। घर की दक्षिण पूर्वी दिशा का स्वामी भगवान शुक्र, भगवान गणेश, लेकिन ये आग्नेय कोण कहलाता है। मित्रों, यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में अगर आप रसोई घर बनाते हैं, गैस रखते हैं, बॉयलर रखते हैं, इन्वर्टर रखते हैं, ट्रांसफार्मर रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दैनिक इनकम को भी यहीं से देखा जाता है। डेली इनकम के साथ ही आपकी मंथली और आपकी ईयरली इनकम भी यहीं से देखी जाती है। मित्रों, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, यह दिशा बिल्कुल भी खुली नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में खिड़की दरवाजे बिल्कुल ना लगाएं तो आपकी सेहत के लिए, आपके धन के लिए बहुत अच्छा होगा। घर के मुखिया का कमरा आप यहां पर बना सकते हैं, यानी कि मास्टर बेडरूम आप यहां जरूर बनाइए। कैश काउंटर यहां रखिए, भारी मशीनें यहां रखिए। घर का जितना भी भारी सामान है, जितना आप वजन रख सकते हैं, इस दिशा में रखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आइए मित्रों, अब जानते हैं मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मिथुन राशि, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई और वस्त्र अवश्य ही दें। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज के लिए लकी नंबर होगा 6। क्या करना है महोपाय? अपने गुरु के चरण स्पर्श करिए, बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। नौकरी में कोई परिवर्तन ना करें। मित्र की बात को अनसुना भी नहीं करना है। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज के लिए लकी नंबर होगा 8। आज उपाय के तौर पर सफेद मिठाई का दान जरूर करें। आइए मित्रों, बात करते हैं अपने दूसरे उस अचूक और सिद्ध महा उपाय की, जो आपकी आजीविका, नौकरी, व्यापार की तमाम समस्याओं को एकदम से खत्म कर सकता है। मित्रों, आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, किसी भी कार्य को लेकर समस्या हो, बरगद का एक साबुत पत्ता आप स्नान करके तोड़ लाइए, ठीक है? अब चंदन से आप अपनी समस्या उस पर लिखिए। अब अपने मन ही मन अपने ईष्ट का, अपने कुलगुरु देवी देवताओं का ध्यान करिए और यह पत्ता जिस पर आपने अपनी समस्या लिखी थी, भाई अब अपने ईष्ट को, अपने कुलगुरु को अर्पित कर दीजिए। यकीन मान के चलिए, यह छोटा सा उपाय आपकी तमाम परेशानियों को खत्म करेगा और यकीनन आपको लाभ भी। आइए मित्रों, अब जानते हैं सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि। सिंह राशि, रहे महिलाएं अपना कीमती सामान संभाल कर रखें। आज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज के लिए लकी नंबर रहेगा 1। आज क्या करना है, हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर करें। मकर राशि, जरूरी सामान आज किसी को उधार ना दें तो अच्छा है। आज बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद लें। अपने घर की छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज के लिए लकी नंबर रहेगा 8। आज क्या करना है महोपाय मित्रों, आज मीठी वस्तु का दान जरूर करें। आइए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशि। कुंभ राशि,
व्यापार पर आज आपको ध्यान देना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। आज छोटी सी बात पर किसी से ना उलझें, अच्छा रहेगा। जरूरत पड़ने पर अपनों की सलाह ले लीजिए। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज के लिए लकी नंबर होगा 6। उपाय क्या करें मित्रों? आज शिव मंत्रों का जाप करिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप करिए, दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, चोट से बचाव होगा। आज मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज के लिए लकी नंबर होगा 3। उपाय क्या करें मित्रों? आज नमक का सेवन थोड़ा सा कम करिए तो दिन अच्छा रहेगा। आइए मित्रों, अब समय हो गया है आज के दिन का मूलांक अनुसार राशिफल जानने का। मित्रों, अगर आपका मूलांक 1 है तो आज शाम तक मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। अपने नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल जरूर डालिए, तनाव खत्म होगा। अगर आपका मूलांक 2 है तो आज अपनी विचारधारा को बिल्कुल सकारात्मक रखें, आज देर रात तक लाभ अधिक हो सकता है। अगर आपका मूलांक 3 है तो आज स्वजनों पर क्रोध करने से आपके काम बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। धन की कमी को पूरा करने के लिए मित्रों की मदद मिल ही जाएगी। अगर आपका मूलांक 4 है तो भाई आज मित्र तथा रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, आज किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आपका मूलांक 5 है तो अपने प्रयास की गति को और तेज करिए, सफलता आपको भरपूर मिलेगी, आज उधार लेने से बचने का आपको प्रयास करना है। अगर आपका मूलांक 6 है तो भाई अपनी वाणी और अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए, आज नजदीकी अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से कोई भेद साझा बिल्कुल ना करें। अगर आपका मूलांक 7 है तो भाई आज जमीन जायदाद खरीदने से अपने मकान को बनाने का जो स्वप्न है वो भरपूर आपको लाभ देगा, आपका मकान भी बनेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी, आज किसी मित्र की मदद से धन लाभ हो सकता है। अगर आपका मूलांक 8 है तो आज अपने मन की परेशानियां किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें, आज शाम तक बिगड़ी हुई बात बन सकती है। आपका मूलांक अगर 9 है तो आज मन में गलत विचार भूलकर भी ना लाइएगा, व्यापार में लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो मित्रों, जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके लिए हृदय से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, यह वर्ष आपकी रोजगार, नौकरी, व्यापार के लिए बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस वर्ष में उन्नति हो तो आपको कुछ उपाय करना होगा। इस वर्ष आंखों के रोग से बचाव जरूर करें, आंख पर चोट लग सकती है, आंखों के रोग से बचिए। धन, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप संभव हो तो प्रतिदिन, वरना मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें फिर शुभकामना। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।